नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ हयात अब्बास। आज हम बात करेंगे व्यापारियों की, उन छोटे व्यापारियों की जो लॉकडाउन के बाद काफ़ी दिक्कतों में हैं। आखिर सरकार से उनकी क्या मांग है और वो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, हम जानेंगे उनके मन की बात। तो चलिए जानते हैं उन व्यापारियों के मन की बात के। मैडम, अगर आप लॉकडाउन की बात करें तो जैसे पहले 4,000 की बिक्री थी तो इस समय हम लोग 1,000 पे आ गए हैं और इससे बहुत ज़्यादा व्यापार पे असर पड़ा है और मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी हालात सही होंगे। जिस तरीके से अब तीसरी लहर बता रहे हैं सरकार की आने वाली है, तो उस हिसाब से हम लोग इस समय बहुत परेशान हैं। गरीब टूट गया है, एकदम गरीब टूट गया है और सरकार से यही मदद है कि गरीबों को मदद करें सरकार। और एक रुपया के कोई आमदनी नहीं रह गई है किसी के पास। आदमी बेरोजगार हो गया है, घर से आ रहा है तो यही सोच रहा है कि करेंगे क्या, पता नहीं बिक्री होगी कि नहीं होगी। जो 10 रुपया घर पे बचा के रखा है इंसान, वही ला के लगा दिया है, कुछ बचा नहीं है। लॉकडाउन से पहले थोड़ा ठीक था, अब लॉकडाउन के बाद बिल्कुल ही जो है सन्नाटा है, कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और बहुत परेशान है, दुकानदारी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने देखा होगा व्यापारी किस तरह से परेशान हैं और वो अपनी दिक्कतों को सरकार के सामने कहना चाह रहे हैं, उनसे मदद चाहते होंगे। अब देखना ये है कि सरकार उनकी मदद किस तरह से करती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं हयात अब्बास, प्राइम न्यूज़।